अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने हैं बीफ बिरयानी की रेसिपी। तो सबसे पहले हमने एक पतीला लिया है, इसमें डाला है 1 कप भर के ऑयल और इसमें हम डाल देंगे 2 से 3 मीडियम चॉप की हुई बारीक प्याज। प्याज को जो है हमने गोल्डन ब्राउन करना है और साथ हम इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून के करीब नमक। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो हम इसमें डाल देंगे 1 किलो गोश्त था, उसे हमने फिर लहसुन अदरक डाल के अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे बिरयानी का पैकेट, 1/2 पैकेट हम इसमें बिरयानी का डालेंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, 3 मीडियम साइज़ के टमाटर स्लाइस में चॉप करके। इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से भून लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। धनिया लेंगे 1 टीस्पून, नमक 1 टेबल स्पून, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें, क्योंकि मसाले में भी होता है तो इसलिए आप टेस्ट के हिसाब से ही डालिएगा। अब इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे हम। भुनाई के बाद अब इसमें 1/2 कप भर के दही डालेंगे और अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। गोश्त को जो है जब हमने उबाला था तो काफ़ी गला चुके हैं हम। अब इसमें हम यखनी डाल देंगे 1 कप, ताकि जो कसर है गोश्त में वो अच्छे तरीके से गल जाए। और अब इसे कवर करके रख दें 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम आंच पर। गोश्त हमारा अच्छे तरीके से गल गया है, इसमें हमने डाले हैं 3 से 4 हरी मिर्चें और आलू बुखारे डालें 4। थोड़ा सा दही जो रह गया था बाकी, अब हमने वो डाला है, यानी 2 टेबल स्पून भर के दही दोबारा से डालेंगे। और अब इसकी दोबारा से भुनाई करेंगे और सारा पानी खुश्क करेंगे। 1/2 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला भर के, और अब इसकी भुनाई करनी है। तो यहाँ देखें, अच्छे से इसकी भुनाई हो गई है। अब हम इसमें हरा धनिया और पुदीना डाल देंगे 1/2 कप भर के। तो मसाला जो है कोरमा बिरयानी का रेडी है। यहाँ पे अब हमने पानी लिया था, इसमें हमने पुदीना डाला है, हरी मिर्चें और साबुत गरम मसाला डाला है थोड़ा थोड़ा सा, और इसे अच्छे से उबाल लिया है और नमक डाला है 2 टेबल स्पून भर के। साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून सिरका डाला था। और अब हम इसमें डाल देंगे चावल, 1 किलो मेरे पास चावल हैं, वो भी डाल देंगे। चावलों को अच्छे तरीके से बॉईल करना है और 1 कनी रहने देना है। तो चावल हमारे बॉईल हो चुके हैं, अब हमने उनका पानी छान लिया है। अब हम तह लगाएंगे। तो सबसे पहले पतीले में हमने डाला है बिरयानी का जो हमने कोरमा डाला था उसका तेल, और बारीक स्लाइस में हमने आलू को काटा है। इस तरीके से पहले आलू की तह बिछा लेंगे। आलूओं को 5 मिनट का बिल्कुल दम दिया था। अब हम इसमें डाल देंगे चावल। चावल बॉयल डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे बिरयानी मसाला ज़रा सा, और अब हम इसमें डाल देंगे तली हुई प्याज, स्लाइस में टमाटर कट किए हुए, नींबू डाल देंगे स्लाइस में कट किए हुए, और अब हम इसमें डाल देंगे कोरमा। इस तरीके से कोरमे की तह लगा देंगे। कोरमे की तह लगाने के बाद दोबारा से अब हम इसमें चावलों की तह लगा देंगे। चावलों की तह लगाने के बाद इसमें दोबारा से हम कोरमा बिरयानी मसाला डालेंगे और तली हुई प्याज। जर्दे का रंग भी डाल देंगे अब, और दोबारा से तली हुई प्याज, टमाटर और लीमू की तह लगाएंगे। और अब हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल देंगे, और दोबारा से अब कोरमे की तह लगाएंगे। कोरमे की तह लगाने के बाद दोबारा से चावल की तह लगा के, उसके बाद दोबारा से इसी तरीके से तह लगा के इसे कवर करके रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तो यहाँ देखें, 15 मिनट हो गए हैं और गर्मा गर्म बीफ बिरयानी रेडी है, जिसे हम अपनी प्लेट में सर्व कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर करें।
फिर लेकर आऊँगी आसान सी और मज़ेदार सी वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।